वीरेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे और सीधे हम आपको ले चलते हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी क्या कुछ कह रहे हैं? कैलाश मेघवाल जी, प्रमोद जी, लक्ष्मीकांत जी, पंकज मीणा जी चल चुकी है। आज आदर्श आचार संहिता लग गई है और ये इस चुनाव का इंतजार भारतीय जनता पार्टी के साथ राजस्थान की जनता भी कर रही है, क्योंकि पिछला ये कैसा कालखंड निकला जिस कालखंड में राजस्थान की जनता ने एक एक दिन गिन के निकाला है, जिन वादों की बुनियाद के आधार पर सरकार बनी, राजस्थान की जनता के साथ वादा खिलाफी की। हर राजस्थान का हर वर्ग, राजस्थान का जन जन इस सरकार से त्रस्त और एक आडंबर जो सरकार के होने के कारण बना रखा था, आज आदर्श आचार संहिता लगने के बाद से वो आडंबर भी समाप्त हो जाएगा। 23 नवंबर को चुनाव और 3 दिसंबर को मतगणना। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि राजस्थान की जनता ने मन बना लिया कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनानी है। जिन लोगों ने होर्डिंग लगाए हैं कि 2030 तक की सुझाव दीजिए, राजस्थान की जनता ने सुझाव दे दिया कि आप घर बैठ जाइए और राजस्थान मोदी जी के हवाले कर दीजिए। राजस्थान का विकास होगा, युवाओं के सपनों की उड़ान होगी, किसानों की समृद्धि होगी, नारी की सुरक्षा होगी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जन आक्रोश यात्रा नहीं सहेगा राजस्थान और फिर परिवर्तन यात्रा। जिस प्रकार का समर्थन आशीर्वाद राजस्थान की देवतुल्य जनता का मिला है वो अद्भुत है, अविस्मरणीय, अद्वितीय है। लोगों ने मन बना लिया कि 2018 में मात्र 1.5 लाख वोटों के अंतर से एक ऐसी सरकार आ गई जिसने राजस्थान में 3 काम किए, सिर्फ कुर्सी बचाना, अपने विरोधियों को निपटाना और भ्रष्टाचार करना। इसके अलावा कोई काम राजस्थान में इन 4.5 वर्षों में नहीं हुआ। और अब तो लोग कहने लगे कि ये सरकार 5 वर्ष के लिए बनी या 5 महीने के लिए बनी। सारे काम सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करना, कागज निकालना, जिनकी न तो जमीन पर कोई हकीकत है, न जमीन धरातल पर कोई काम दिख रहा है। सिर्फ घोषणाएं और कागज निकालने के अलावा कोई काम नहीं किया, न कोई फाइनेंशियल उसकी वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था है। मैं इसलिए आज आदर्श आचार संहिता लग गई, जनता भी तैयार है, खुला मैदान है। और जिन लोगों ने राजस्थान में 4.5 सालों में किसान और युवा के साथ वादा खिलाफी की, नारी की सुरक्षा नहीं कर पाए, ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए राजस्थान की जनता बैठी है। हम सब लोग भी आदर्श आचार संहिता का, सारी पॉलिटिकल पार्टियां उसकी पालना करते हुए, चूंकि देवतुल्य जनता उसका निर्णय करती है और ये 23 तारीख को राजस्थान की जनता उसका इंतजार कर रही थी। यही निवेदन आप सब लोगों के बीच में करना था। बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब से आग्रह करूंगा कि वह भी अपना विषय सबके सामने रखें। माननीय अध्यक्ष जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, 23 नवंबर को देव उठेंगे और एक अश्रुप रूपी सरकार का मानमर्दन होगा। अब पिछले 4 महीनों में डिजाइन बॉक्स के नरेश अरोड़ा के निर्देशन में जो 2000 करोड़ की राशि के विज्ञापन जारी हुए और इन विज्ञापनों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने प्रतिदिन अपनी छवि को महिमा मंडन करने की कोशिश की, वो सिलसिला बंद होगा। एक तरफ आदर्श आचार संहिता लग रही थी और दूसरी तरफ सचिवालय में कल रात से ही धड़ाधड़
कहीं खानों का आवंटन हो रहा था तो कहीं स्थानांतरण हो रहे थे। हद तो तब हो गई जब संवैधानिक संस्था राजस्थान लोक सेवा आयोग में मुख्यमंत्री जी अपने ओएसडी सहित केसरी सिंह और एयूब खान की सिफारिश करते हैं, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के अंदर डॉक्टर संजय पोसवाल की सिफारिश करते हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कृत्य इस बात को सिद्ध कर रहा है कि सरकार के मुखिया ने यह महसूस कर लिया कि उनका जाना बिल्कुल तय है और जाते जाते वो अपने अति विश्वसनीय लोगों को पुरस्कृत करके चले जाएं। आज पीसीसी के चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बार फिर संवैधानिक पदों पर बैठे उपराष्ट्रपति महोदय के दौरे पर सलाह देते हैं। मैं समझता हूं कि आपने पिछले चार दिनों के अंदर दर्जनों बोर्डों की गठन की बात सुनी होगी। राजस्थान के अंदर जिस प्रकार के कभी जातिगत आधार पर जनगणना जिनकी संभावना नहीं थी, थोथी बातें थोता चना बाजा घने की तर्ज पर ये करते रहे। हम आज चुनाव आयोग से ये मांग भी करने वाले हैं कि इन्होंने जो जनता की गाड़ी कमाई से जो स्मार्टफोन बांटे हैं जिनमें 13 मुख्यमंत्री जी की फोटो है, क्योंकि आदर्श आचार संहिता लग गई, ये फोटो किस प्रकार हटे इसके बारे में चुनाव आयोग चिंता करें। मुख्यमंत्री जी ने जो 7 करोड़ 16 लाख अपने गारंटी कार्ड बांटे हैं उनमें फोटो है, वो कैसे हटे, क्योंकि इन्हीं मुख्यमंत्री जी ने। तो चुनावी रणभेरी बज गई है और भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे थे। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला, तो साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष ने यह जानकारी दी है कि जो स्मार्टफोन योजना कांग्रेस सरकार की तरफ से चलाई गई है उस पर सीएम के फोटो हैं और वे मांग करेंगे, यानी कि बीजेपी चुनाव आयोग से मांग करेगी कि ये फोटो किस तरीके से हटाए जाए। साथ ही साथ गंभीर आरोप भी लगाया कि रात भर तक सचिवालय के गलियारों से घोषणाएं और नई संस्तुतियां की गई है सरकार की ओर से, उन पर भी सवाल बीजेपी ने खड़े किए हैं। साथ ही इस बात का दावा भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया है कि इस बार पूरे बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। आरोप यह कि कांग्रेस ने सिर्फ 3 काम किए, 1 काम कुर्सी बचाने का किया, अपनी कुर्सी बचाते रहे, और यह भी आरोप लगाए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष की तरफ से कि इस सरकार में कुछ लोगों को गिराने का काम किया गया, अपनी कुर्सी बचाने का काम किया गया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया गया जनहित का। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो नियुक्तियां की गई है इन वक्त पर वो कहीं ना कहीं गलत है, चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। तो साथ ही हम आपको अब सुनवाते हैं लगातार प्रतिक्रियाओं के दौर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की प्रतिक्रिया भी आई, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल मौजूदा गणित को आप देखिए कि किस तरीके से राजस्थान के विधानसभा में इस वक्त सीटों की स्थितियां हैं। कांग्रेस 108, बीजेपी 70, RLP 3, BTP की 2 सीटें मौजूदा वक्त में हैं, और इस लिहाज से अगर देखें तो CPIM की भी 2 सीटें हैं, RLD की सीटों के साथ साथ निर्दलीय जो है वो 13 सीटें हैं निर्दलियों की। ये मौजूदा स्थिति इस वक्त है और भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं, फिर से दिखाते हैं। राजस्थान में पिछले 20 वर्षों में आमतौर पर जो चुनाव होता है वो रिवाज के हिसाब से होता है, और इसलिए वो रिवाज कांग्रेस के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। इस सरकार के खिलाफ पिछले 5 वर्षों में, मैं 92 से राजनीति में हूं, इस तरीके की नकारा आक्रमणीय भ्रष्ट और निकम्मी सरकार मैंने नहीं देखी। इस चुनाव में किसानों की कर्जा माफी, जमीनों की नीलामी, उनका अवसाद और उनकी आत्महत्याएं, पेपर लीक और बेरोजगारी जो सर्वाधिक है, शांतिपूर्ण प्रदेश में 11 लाख मुकदमे, ये सरकार के गृह मंत्री के कामकाज की वानगी है। आर्थिक तौर पर 5.5 लाख करोड़ का कर्जा ये सरकार के दिवालियेपन का सीधा सीधा सबूत है। भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठा है उसमें सचिवालय में मिले नोट और सोने के बिस्किट ये अपने आप में बड़ा एविडेंस है। अपीजमेंट के नाम पर रामनवमी पर प्रतिबंध, राजस्थान की जनता इन मुद्दों पर उद्वेलित है। इस प्रदेश में और पूरे देश में
10 वर्षों में प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के आगमन से जो सामान्य मुद्दे थे लोगों के, बुनियादी मुद्दे थे, जनधन से लेकर, उज्ज्वला से लेकर, आवास से लेकर आयुष्मान तक, उन्होंने राजस्थान के लाखों लोगों का जीवन बदला है। जिन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए अपना मतदान दिया उसको उन्होंने सार्थक किया है। 370 के खात्मे से लोगों में एक भरोसा पैदा हुआ है और इसलिए मोदी जी का नाम और काम ये भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए एक मजबूत कारक होगा। राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को ईवीएम पर बदला लेने के लिए पूरे तरीके से तत्पर है, मोदी जी के नाम और काम पर मोहर लगाने के लिए तत्पर है और इसलिए मुझे इसमें कोई शक शुबाब लगता नहीं है कि जिस तरीके से जगह जगह उद्वेलन है, अशांति है, अराजकता है, आक्रोश है और खास तौर पर ये तीन बड़े मुद्दे किसान, नौजवान, इनका उद्वेलन ईवीएम पे बहुत मुखरता के साथ होगा और इसलिए मैं हमारे नेताओं की साक्षी में आप सब के सामने ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एक अच्छे ऐतिहासिक बहुमत की तरफ जा रही है। कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होगी और इसका कारण कांग्रेस खुद है। जिस तरीके से बाड़ाबंदी से लेकर इस्तीफों का दौर चला, उन्होंने अपना घर का झगड़ा महज कहा होगा लेकिन राजस्थान की गवर्नेंस पर उसका असर पड़ा है और इसलिए यह स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। संगठन के तौर पर तुलना करें तो आज 52,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी का मजबूत और सशक्त संगठन ये पूरी ताकत से एक एक कार्यकर्ता बूथ पर विजय का संकल्प लेकर काम कर रहा है। जो विग्रह उनका दिखता था आज भी उसका समाधान नहीं है, तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों की चुनावी तैयारी बेहतर है और जिसका उल्लेख अभी माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, जनाक्रोश नहीं सहेगा राजस्थान और परिवर्तन संकल्प यात्रा, इनको जिस तरीके से सफलता मिली, कार्यकर्ताओं में मनोबल का निर्माण हुआ और राजस्थान में इन मुद्दों की नीचे तक स्थापना हुई, वो हमारे कोई भी शुभ काम शुभ दिन होता है तो जनता के आशीर्वाद के साथ देवताओं का भी आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि उस 4.5-5 वर्षों तक इन्होंने सनातन को गालियां देने का, प्रभु श्री राम के नारे लगाने वालों पर प्रतिबंध लगाने का, भगवा पताकर प्रतिबंध लगाने का, त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने का पाप किया है, तो उस दिन देवताओं का आशीर्वाद भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। देखिए उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। भाई जी एक बता दो, भाई देखिए पहली बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर परिस्थिति में काम करता है और उसमें मतदान उसके लिए प्राथमिकता है, तो उसके लिए वो पूरी तैयारी के साथ काम करेगा। सतीश जी के नेतृत्व में हम एक प्रकोष्ठ बनाएंगे, सतीश जी कुमारों के साथ सबसे लाइव रूप से हमारे पार्टी की तरफ से चलिए देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो कहा वो करके दिखाया, ये अटल विश्वास अटूट विश्वास पार्टी और पार्टी के नेता लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है, जो कहा वो पूरा किया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने आप ये देखें कि पिछले 9 वर्षों में जो 60 वर्ष में नहीं हो पाया वो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे गरीब का मकान हो, उज्ज्वला का कनेक्शन हो, जनधन का खाता हो, हर गांव डाड़ी पे पीने का पानी हो, ये जो चाहे सड़क हो, हाईवे हो, रेलवे हो,
हर काम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वो पूरा हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसने कहा कि हम किसानों को कर्जा माफ करेंगे, आज 19,000 से ज्यादा किसान, 422 किसानों की जमीन नीलाम की गगार पर है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो नहीं पूरा कर पाए। पेपर लीक का मामला और इसमें सारा का सारा संलिप्तता इनकी दिखाई देती है। महंगाई का विषय जिसमें इन लोगों ने सबसे महंगा डीजल, पेट्रोल और बिजली राजस्थान में महंगी है। चौथा विषय भ्रष्टाचार का, अब तक के सारे रिकॉर्ड इन्होंने अभी भ्रष्टाचार के तोड़े हैं, राजस्थान की जनता कभी माफ नहीं करेगी। तुष्टिकरण जिसमें अब तक की मुझे लगता है कि राजस्थान को तालिबान बनाने का प्रयास किया गया, और नारी की सुरक्षा, ये मुद्दे ऐसे हैं जो जन जन के दिल और दिमाग पे हैं और यही जनता मन बनाकर बैठी है कब चुनाव आएंगे और कब हम अपना हिसाब चुकता करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप सुन रहे हैं और इस वक्त प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के साथ जी